हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है और स्वागत है आपका एक चमचमाती हुई वीडियो में। तो भाई ये हुंडई अल्कज़ार 6 और 7 सीटर में आई है SUV, और हुंडई ने काफ़ी काम किया इस पर, वो आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई इसके इंजन डायमेंशन, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड सेफ्टी की बात करूँगा बेसिकली इस वीडियो में मैं, और ये एक्टर की तरह लग रही है पीछे थोड़ी थोड़ी। और स्टार्टिंग से अगर बताऊँ तो 6 और 7 सीटर SUV में आएगी है। 6 सीट और 7 सीट का ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। इसके लेंथ की बात की जाए तो 4330 mm और व्हील बेस 2760 mm है। विड्थ 1790 और फ्यूल टैंक 50 लीटर्स का आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 लीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता था यार। अल्कज़ार का जो लॉन्गर व्हील बेस है 2760 mm का है, जो कि 150 mm ज़्यादा लंबा है क्रेटा से। इसकी हेडलैम्प्स वगैरह रनिंग DRL सेम क्रेटा की तरह देखने को मिलेंगी। हालांकि इसके जो डायमंड कट अलॉयज़ हैं उनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे से बात की जाए तो तक थोड़ी सी इंस्पायर्ड तो ये क्रेटा से ही है, बट इसका थोड़ा सा डायनेमिक लुक को चेंज किया गया। और सामने से अगर ऐसे साइड से देखेंगे तो ये हेक्टरी लग रही है भाई मेरे को तो। आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बात की जाए भाई इसमें तो, भाई इसमें दो इंजन ऑप्शंस आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, जो कि 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन होगा जो कि 159 हॉर्स पावर, और एक होगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। और भाई आपको बताऊं तो दोनों ही इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया होगा। और ऑटोमेटिक में भाई आपको गियर बॉक्स आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। मिल सकता है क्या मतलब, 100% ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी फ़ोन चार्जिंग, ब्लू लिंक वगैरह, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट आपको बता दी गई है 6 और 7 सीट के हिसाब से। उसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई SUV में अगर पैनोरामिक सनरूफ ना हो तो कुछ मज़ा नहीं है। ब्लू लिंक वगैरह मिलेगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डिज़ाइन आपको क्रेटा की तरह इंटीरियर लगभग वैसा ही देखने को मिलेगा। ORVM वगैरह ये सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक स्टेयरिंग कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और भाई अल्कज़ार एक तरीके से क्रेटा की बड़ी बहन कह सकते हैं हम, क्रेटा की बड़ी बहन है भाई, तो थोड़ी इज्जत देना है इसको। और भाई इसमें आपको 6 एयरबैग, टायर मॉनिटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह, ये सारे फीचर्स आजकल नॉर्मल हैं और ये हर गाड़ी में मिलते भी हैं भाई, क्योंकि आज के लोगों को गाड़ी के साथ साथ फीचर्स लोडेड कार बिल्कुल पसंद है, और वो चाहते हैं कि उनको ऐसी कार फीचर्स लोडेड मिले। और प्राइस भाई एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख से 19 लाख के बीच में बताई गई है, बट मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो इसका प्राइस मेरे ख्याल से 22-23 लाख रुपये तक जा सकती है। मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा। और इसके राइवल्स हैं जो टाटा सफारी है, MG हेक्टर प्लस है, और महिंद्रा XUV 500 आपको देखने को मिलेगी। और भाई ये थी वीडियो, कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।